छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, जिसके चलते रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुलिस विभाग ने चोरी कर निकल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आर्म एक्ट में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एनडीपीएस के मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना गन क्षेत्र में चोरी की घटना 9 और 10 के बीच की रात को हुई थी सराफा ब्रदर्स में। तो उसमें चोरी करके निकलते वक्त ही उसको आरोपी को पुलिस की टीम ने पकड़ा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे दूसरे अपराधों के बारे में भी हम लोगों ने पूछताछ करी है। सुरेश साहू नाम का ये आरोपी है, इसकी भी गिरफ्तारी कल हुई है गंज थाना क्षेत्र में। एक व्यक्ति, एक पिस्टल और 2 राउंड थे उसके पास और वो गांजा लेकर के जा रहा था। दीपक साहा नाम का व्यक्ति, बंटी साहा, उसको अरेस्ट किया है। अभी तो वो कुछ महीनों से यहाँ पे रह रहा है रायपुर में, बाकी मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है। तो उससे और कुछ जानकारियाँ अभी मिली हैं आगे तो एनडीपीएस में तो इसको बुक कर रहे हैं, बट इससे पूछताछ भी नारकोटिक सेल की टीम कर रही है और उसके आधार पर आगे भी इस पर कार्रवाई अपेक्षित है हमारी।